अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू फ्रेंड्स, आप सभी कैसे, उम्मीद है कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो फ्रेंड, अब वीडियो का जो टॉपिक है वो है ग्लॉक 26 जेन 4 के ऊपर, जो कि सिल्वर ब्लैक में, स्टील एंड ब्लैक में हमने तैयार किया है। तो मैं मिनी पिस्टल है, इसके अंदर जो है 14 से 15 जो है कार्ड जाते हैं 9 NM के। तो ये 9 NM के पिस्टल है, मुकम्मल A to Z औरिजिनल जेन इनकी तरह है। आप देख लें, और इसका जो आप देख लें, तो ये देख लें फ्रेंड, इसकी क्वालिटी भी आप देख लें, इसकी फिनिशिंग। अगर मैं आप क्लोजअप में आपको दिखाऊं तो ये इसकी फिनिशिंग आप देख लें, स्टील एंड ब्लैक का कॉम्बिनेशन बहुत ही ज़बरदस्त है। तो आप देख लें, ये तो लाइसेंस वगैरह ये आप देख लें, इसके लाइसेंस का नंबर भी लगाया गया है, और इसके अलावा इसकी फिनिशिंग भी आप देख सकते हैं। तो 41% के हार्ड मटेरियल से बनाया गया है। ये आप देख लें, इसके टेस्ट, इसके ऊपर टेस्ट फायर करके देख लेते हैं कि इसकी साउंड क्वालिटी क्या, हमें अंदाज़ा हो जाए कि इसकी साउंड क्वालिटी वगैरह कैसी है। नए नए पिस्टल है, इसके अलावा इसके नीचे जो है कोई भी चीज़ एडजस्ट नहीं हो सकती। अगर आप इसके अंदर साइलेंसर वगैरह लगाना चाहते हैं तो आप इसके साइलेंसर लगा सकते हैं, लेकिन इसका जो है बैरल वगैरह था उसे लंबा करना होगा। तो चलिए, आपका कीमती टाइम ज़्यादा ज़ाया नहीं करो, टेस्ट चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो चलिए, टेस्टिंग की तरफ चलते हैं। तो फ्रेंड, आपने देख लिया, और दूसरा मैग जो है इसी में ऑटो पिस्टल है, तो दूसरा भी इसके अंदर जो है ट्राई करके देख लेते हैं। तो फ्रेंड, आपने देख लिया इसकी साउंड क्वालिटी आपको कैसे लगी, आप मुझे लाजमी बताएं। तो ये डायमंड एंड टेक्निकल अपनों के तैयार करदा पिस्टल है, ये ग्लॉक 26 स्टील एंड ब्लैक कॉम्बिनेशन में हमने तैयार किया है। तो वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करें, चैनल पर लें तो चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब करें, और अगर फेसबुक इंस्टाग्राम वगैरह पर फॉलो नहीं किया तो इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। अगली वीडियो का हमारा इंतजार कीजिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, और हवाई फायरिंग से इज्तनाब कीजिएगा। और वीडियो पसंद है, वीडियो को लाजमी से लाइक करें। अल्लाह हाफिज़।